हेलो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और आज के प्रैक्टिस सेट में भी जितने क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी एन के किसी ना किसी डायग्राम से या किसी ना किसी टॉपिक से हैं और आप पढ़ाई भी एन से ही कर रहे हैं तो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होगा समझ जाइए उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है दोबारा से रिवाइज करना है चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग और मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ईमानदारी से जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन द गिवन फिगर शोज द रीजन ऑफ रूट टिप्स यहां पर एक रूट टिप का फिगर बनाया गया है जिसमें से कुछ रीजन मार्क किए गए हैं विद रीजन मार्क्ड एज ए बी एंड सी ए बी एंड सी ये तीन रीजन मार्क किए गए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द लेवलिंग ऑफ ए बी एंड सी आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो ए और बी और सी इन तीनों को करेक्ट बता रहा हो करेक्ट लेबल किया हुआ हो चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन में ये ए है दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी और पहला ऑप्शन में हम लोग देखते ए को बताया जा रहा है जोन ऑफ इलांगशन बी को बताया जा रहा है जोन ऑफ मियोसिस और सी रीजन को बताया जा रहा है जोन ऑफ माइटोसिस दूसरा ऑप्शन देखते हैं ए को बताया जा रहा है जोन ऑफ मैचुरेशन बी को बताया जा रहा है जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी और सी को बताया जा रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन ऑप्शन सी में देखें, ए को बताया जा रहा है जोन ऑफ माइटोसिस बी को बताया जा रहा है जोन ऑफ इलाशन और सी को बताया जा रहा है जोन ऑफ रूट कैप ऑप्शन डी में देख ले ए को बताया जा रहा है रीजन ऑफ मैचूरेशन बी को बताया जा रहा है रीजन ऑफ इलागेशन और सी को बताया जा रहा है जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा पहला ऑप्शन एक बार फिर से देख ले ए को बताया जा रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन बी को बताया जा रहा है जोन ऑफ मियोसिस और सी को बताया जा रहा है जोन ऑफ माइटोसिस दूसरे ऑप्शन में ए को बताया जा रहा है जोन ऑफ मैच्यशन बी को बताया जा रहा है जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी और सी जोन ऑफ इलोंगेशन सी में देख लेते हैं जोन ऑफ माइटोसिस जोन ऑफ इलोंगेशन जोन ऑफ रूट कैप डी में रीजन ऑफ मैचुरेशन रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी तो जल्दी से बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यस हमेशा याद रखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर्स अराइज होते हैं तो रूट हेयर्स हमेशा रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होते हैं उसके ठीक नीचे होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन के नीचे होता है जोन ऑफ मेरिस्टोमैटिक एक्टिविटी यानी सी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के रीज़न को बी रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन ऑफ़ इलागेशन को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन ऑफ मैचुरेशन क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आ जाते हैं और ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। विच स्टेज इज शोन बाय द गिवन फिगर एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ अ सेल डिविजन विच स्टेज इज़ शोन बाय द गिवेन फिगर तो आप देखिए यहाँ पर ये कौन सा स्टेज है जो बता रहा है किसी पर्टिकुलर सेल डिविज़न के एक पर्टिकुलर स्टेज को तो यहाँ दो क्रोमोजोम्स आप देख रहे हैं और ये कुछ ऐसा डायग्राम है अब जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं तो ऑप्शनस में पहला ऑप्शनस है प्रोफेज वन ड्यूरिंग न्योसिस ये प्रोफेज वन के स्टेज को बताया जा रहा है ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ सेल डिविज़न न्योसिस दूसरा ऑप्शन है प्रोफेज टू ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज टू का ये स्टेज है ड्यूरिंग मियोसिस थर्ड ऑप्शन है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस कौन सा स्टेज है प्रोफेज और कौन सा सेल डिवीजन माइटोसिस और चौथा है बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस जल्दी से बताइए इसमें से सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है डायग्राम तो आपने देख लिया ये कुछ इस तरह का डायग्राम है आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर कौन से स्टेज का और किस टाइप के सेल डिवीजन का ये स्टेज है पहला है प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस दूसरा है प्रोफेज टू ड्यूरिंग मियोसिस तीसरा है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस चौथा आप देख रहे हैं बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हो दैट इज क्रॉसिंग ओवर जिसमें क्रोमोजोम्स uh, के uh, जो दो आर्म्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं एंड ऐसा करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ इस क्रोमोजोम्स का ये फ्रेग uh, फ्रेगमेंट जो है इसके साथ अटैच हो गया और इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट इसके साथ अटैच हो गया यानी कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है एंड क्रॉसिंग ओवर ये हो गया है तो क्रॉसिंग ओवर फेनोमिन किस में होता है प्रोफेज वन के पैकेटिन स्टेज में मस्ट रिमेंबर तो प्रोफेज वन के पैकेटिन स्टेज में ड्यूरिंग मियोसिस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा जा रहा है अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए टी पी फ्रॉम ए डी पी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए टी पी फ्रॉम ए डी पी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ऑप्शन देख ले ऑप्शन ए एफ वन पीस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी एफ नॉट ऑप्शन सी एफ वन एफ नॉट ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया तो जल्दी से बताइए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए टी पी फ्रॉम ए डी पी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए है एफ वन हेड पीस इन माइटोकॉन्ड्रिया बी है एफ नॉट सी है एफ वन एफ नॉट और डी है माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें से किस जगह पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से एफ वन हेड पीस इन माइटोकॉन्ड्रिया एफ नॉट एफ वन एफ नॉट माइटोकॉन्ड्रिया तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफ वन हेड पीस इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में एफ वन हेड पीस आपको पता है कि ये कुछ इस तरह का ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फाइव भी कहते हैं दिस इज एफ वन एंड दिस इज एफ नॉट पार्टिकल और आपको पता होना चाहिए कि एफ वन पार्टिकल जो कि हेड पीस कहलाता है दैट इज द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए टी पी फ्रॉम ए डी पी एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा एफ वन हेड पीस इन माइटो चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर मैच द फॉलोइंग एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो कॉलम वन और कॉलम टू कॉलम वन का पहले देख ले सारे ब्रेन के पार्ट लग रहे हैं सेरेब्रम सेरेबेलम हाइपोथैलमस मेड्यूलॉबलोंगाटा और दूसरी तरफ इनका फंक्शन लग रहा है तो पहला आप देख रहे हो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग कंट्रोल्स द रेट ऑफ हर्ट बीट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर तो सबसे पहले बच्चों जरा खुद से आप लोग मैच करके देखिए कि सेरेब्रम के साथ इसमें से क्या जाएगा सेरेब्रम कंट्रोल्स द पिट्यूटरी कंट्रोल्स विज़न एंड हियरिंग कंट्रोल्स दी रेट ऑफ हार्ट बीट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर सेरेबेलम कंट्रोल्स द पिट्यूटरी कंट्रोल्स विज़न एंड हियरिंग कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर सी हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूट्री कंट्रोल्स वीजन एंड हीयरिंग कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर एंड लास्ट वन इज मेडुला लोंगाटा कंट्रोल्स द पिट्यूट्री कंट्रोल्स वीजन एंड हीयरिंग कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट और मेंटेन्स बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए बच्चों सबसे पहले आप जान रहे हो कि सेरेबेलम जिसका काम ही है बैलेंसिंग जिसका काम ही है बॉडी पोस्चर को मैंटेन करना तो बी का आप जान रहे हो कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है दैट इज मैंटेन बॉडी पोस्चर यानी बी का फोर होने वाला है अब ऑप्शनस में से देख लीजिए बी का फोर कौन कौन सा है तो आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन ए और लास्ट ऑप्शन डी इन दोनों में बी का फोर है और साथ ही साथ आप देख रहे हो सी में भी बी फोर है है ना तो बी का ये तीन ऑप्शंस में है यानी कि बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया रिजेक्ट हो गया ये तो आप करेंगे ही नहीं अब इन तीन में से देखना है हमें दूसरा आप देख रहे हो हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी Pitutory को हमें लोग master gland कहते हैं और सी भी रिजेक्ट तो हो, में में तो हो गया तो बी और सी आपने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया अब जरा देखते हैं क्या है सेरेब्रम और मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा तो आप क्या देख रहे हैं सेरेब्रम जो है ये क्या कंट्रोल करता है विजन एंड हियरिंग है ना और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा क्या कंट्रोल करता है कंट्रोल्स दी रेट ऑफ हार्ट बीट जितने भी इन वॉलेंट्री होते हैं उसे मेडुला ऑबलोंगाटा ही कंट्रोल करता है तो आप क्या देखेंगे कि ए का होना चाहिए टू और डी का होना चाहिए थ्री और ये आप किस में देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में तो इसका सही जवाब हो गया ए चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा जा रहा है ऊ जेनेसिस से ये क्वेश्चन है फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डैश एंड कंप्लीशन ऑफ डैश म्योटिक डिवीजन क्वेश्चन एक बार फिर से देखें फर्स्ट पोलर बॉडी इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डैश एंड कंप्लीशन ऑफ डैश म्योटिक डिवीजन फर्स्ट पोलर बॉडी इज़ फॉर्मड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन ए देखिए प्राइमरी ऊसाइट एंड कंप्लीशन ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीज़न दूसरा ऑप्शन देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न तीसरा ऑप्शन देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड कंप्लीशन ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीज़न लास्ट हम लोग देख ले फर्स्ट पोलर बॉडी इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा लग रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ किसके फॉर्मेशन के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है कम्प्लीशन ऑफ विच माइटोट मिओटिक डिविजन तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड्री ऊसाइट मस्ट रिमेंबर सेकेंडरी ऊसाइट बनने के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिविजन फिर सेकेंडरी ऊसाइट में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो उससे बनेगा हेप्लॉयड ओ और सेकेंड पोलर बॉडी क्लियर है तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर फिनिश होता है बच्चों आई होप आज के प्रैक्टिस सेट से से में आपको मजा आया हो और जितने भी मार्क्स आए हो ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं और जो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसे जाकर रिवाइज करें चलिए मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट चैलेंज के साथ विथ न्यू प्रैक्टिस सेट